अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान, कुर्बान जाइए एहतियात के साथ। हमारा ईद का शो आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और आप सबको ईद मुबारक। साथ साथ मौजूद हैं हमारे अजहर भाई, अमजद भाई, अरशद भाई, अजहर जी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। और नाज़रीन मोहतरम, ईद का ये मौका है और जैसे कि मैंने आपको ईद के यानी जो हमारी चांद रात जिसको तो कहते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में चांद रात नहीं होती है। एक्चुअली चांद रात तब होती है जो ईद उल फित्र होती है, क्योंकि उसमें चांद दिखा जाता है, महीना मुकम्मल होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ईद उल अज़हा की भी चांद रात कहते हैं। ईद उल अज़हा तो 10वें दिन मनाई जाती है, तो यानी महीने का पहला दिन गुजर चुका होता है, 10वां दिन होता है, तब ईद मनाई जाती है। तो ये चांद रात चूँकि यहाँ पर उर्फ आम में गलतुल आम है, तो हमारे यहाँ इन दिनों पर खसूसी तौर पर लोग जाते हैं उसी दिन, और बकरा मंडी और वहाँ से बकरे या गाय या ऊँट किसी को भी लेकर आते हैं, एक रात पहले जाते हैं और कुर्बानी कर देते हैं। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि कुर्बानी का एक मफहूम है, कुर्बानी का एक मकसद है। आज भी आपसे ये कहूँगा कि कुर्बानी बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जिनको दुरुस्त करने का भी नाम, कुर्बानी नाम है कि आप कुछ गलत फहमियों को भी दूर कर दें। आज कुर्बानी नाम है कि अगर आपके जहन में, अगर आपकी फिक्र में एक आपने खुद ही अपने अंदर एक तस्वीर पाली हुई है किसी के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि उस तस्वीर को दुरुस्त कर दें, तो अगले से भी तवक्को रखें और वो भी ये चाहे कि उस तस्वीर को बेहतर कर दें। कुर्बानी इसको भी कहते हैं, कुर्बानी इसको भी कहते हैं कि आप अपनी अना की, अपनी जिद की और अपनी बेजा ख्वाहिशात को अपने किसी दोस्त, अपने किसी भाई की खातिर कुर्बान कर दें। कुर्बानी इसको भी कहते हैं कि आप अपनी इज्तिमाई फिक्र को यकसानियत का रूप दिए बगैर, इज्तिमाईत को सामने रखते हुए अपने आप को अपनी इज्तिमाई फिक्र में कुर्बान कर दें। कुर्बानी इसको भी कहते हैं कि जहां आपसे आपके अपने रूठ जाए, वो रूठे हुओं को, उन टूटे हुओं को और उन प्यार के मारे लूटे हुओं को दोबारा आप लेकर आए और अपनी मोहब्बत से गले लगाकर उन पर अपने आप को कुर्बान कर दें। कुर्बानी इसको भी कहते हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी मेहमान है, और जो हमारे मेहमान है वो उनके बारे में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी बहुत सारी बातें भी होंगी, कि ये जुमले आप रिकॉर्ड कर लें सारे लोग। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मजाक, मोहब्बत, कभी कुछ ऐसा मजाक जो शायद बुरा भी लग जाता हो, लेकिन ये सब अपनी जगह पर। मैं उस आदमी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए कहता हूँ कि मेरी उम्र किसी को लग जाए, तो हुमायूं सईद को लग जाए। तो ये बात रिकॉर्ड करने की, मैं उस आदमी से इतना प्यार करता हूँ। उसकी उसकी कई वजूहत, उसकी वजूहत उसकी अदाकारी या उसकी फनकारी या उसका शोबिज़ में आना नहीं, उसकी दो वजह। पहली वजह ये कि हुमायूं सईद कोई पर्ची नहीं है किसी की। हुमायूं सईद ने पर्ची से आगाज़ नहीं किया, हुमायूं सईद ने बहुत मेहनत करके आगाज़ किया। और दूसरी उसकी वजह यह है कि मैंने इतना मिलनसार, इतना मुनकसिरुल मिजाज, इतना आजजी का पैकर पाकिस्तान इंडस्ट्री में कोई इंसान नहीं देखा जो मैंने हुमायूं सईद को देखा। तो हम आज ईद उल अज़हा के मौके पर, आज जीवे पाकिस्तान हमारे मेहमान फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फनकार, ऐसे ही नहीं बुलाऊंगा उसे, ये तो मैंने आपको दो बातें ऐसी कही। इनका नाम फन की दुनिया में एक मोतबर नाम है, ऐसा मोतबर नाम है कि बल्कि मोतबर नाम भी नहीं कहूँगा, मोतबर हवाला है। और ऐसा मोतबर हवाला है कि अगर मैं ये कहूँ कि असर हाजिर में सबसे ज़्यादा मजे हुए, सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा दिल में घर करने वाले अगर कोई मकबूल तरीन फनकार है, तो उनका नाम, यही नाम है हुमायूं सईद। एक ऐसे सुपर डुपर स्टार जिन्होंने 25 बरसों से नाज़रीन को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। शहर कहते हैं जादू को, यहाँ जादू से मुराद वो जादू नहीं जो ममानियत है जिसकी, या जादू से मुराद शख्सियत का शहर, या जादू से मुराद एक अपनी किरदार निगारी, अपनी अदाकारी, अपनी डायलॉग डिलीवरी, मुकालमा साजी इसका। और फिर उसके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बूढ़े होते जाते, लेकिन मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ मिसाल, आज भी दूंगा। अगर और ये मिसाल मैं कोई, चूंकि इनसे मुझे मोहब्बत है तो ये आए हैं, तो मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अगर भारत में कोई शख्स वक्त के साथ साथ
अपनी उम्र को साथ लेकर चलते हुए अमिताभ बच्चन बन रहा है, तो पाकिस्तान में यहाँ पर अगर वो वक्त आएगा तो हुमायूं सईद का वक्त होगा। 1995 में शोबिज इंडस्ट्री की नगरी में वारिद हुए और देखते देखते नाज़रीन के जहनों पर छा गए, और फिर वक्त आया कि टीवी के हर चैनल और हर ड्रामे की जरूरत बन गए, चाहिए मजाहिया किरदार हो या संजीदा किरदार। यूं कह लीजिए कि दिल फेंक नौजवान का किरदार हो या शोख चंचल जवान का किरदार हो या जज्बाती शौहर का किरदार हो, हर तरह का किरदार, हर तरह का किरदार, या मेरे पास तो मौके दानिश का एक शरीफ इंसान का किरदार जो कि मुश्किल है इनके लिए, उसके बावजूद इन्होंने वो किरदार किया और उसको निभाया, और हर किरदार इतनी खूबसूरती से अदा करती हैं, इतनी खूबसूरती से अदा करती हैं कि हकीकत का गुमान होने लगता है, बल्कि मैं यहाँ कहूँगा कि जज्बाती किरदार निगारी और अदाकारी में तो पूरे पाकिस्तान में इनका कोई सानी नहीं है। करियर के आगाज में मुतरमा खालदा रियासत मरूमा के साथ, अल्लाह ताला ने गरीब रहमत करे, बहुत बड़ी फनकारा थी, आज याद आ गई खालदा आप, बहुत अच्छी फनकारा थी, बहुत बड़ी फनकारा थी, उनके साथ हुमायूं ने अपना आगाज किया था। और अब तुम जा सकते हो, मुझे लगता है उस ड्रामे का मतलब पता है क्या था? हाँ। उस ड्रामे का मतलब ये था, पता नहीं हुमायूं से इत्तेफाक करने लगे, उस ड्रामे का मतलब ये था कि खालदा रियासत से कह रही हूँ तुमने सीख लिया हुमायूं, अब तुम जा सकते हो। और फिर उसके बाद उसमें इन्होंने शानदार काम किया, अच्छा, 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 अब तुम जा सकते हो। और इसके बाद तरक्की की मंजिलें तय करते चले गए। हुआ ये कि अब तक बिला मुबालगा, क्या बिला मुबालगा, क्या आएगा नहीं पैसे, जब देखो मैं जान कर उसी जगह जाता हूँ, मुझे पता है ना, मैं पूरे दोबारा बोलो, सुष्मिता सेन बोलो, सुष्मिता सेन, सुष्मिता नहीं सुष्मिता, सुष्मिता, हाँ चलो बिला मुबालगा बोलो, बिला मुबालगा, बिला मुबालगा, नहीं नहीं बिला मुबालगा है, बिला मुबालगा, बिला मुबालगा, बिला मुबालगा, अब तक बिला मुबालगा 100 से जायद ड्रामा सीरियल्स और ड्रामा सीरीज में अपने फन का किरदार का झलक दिखा चुके हैं। सौ से ज्यादा ये बड़ी बात है। मेहंदी, क्या मेहंदी, मेहंदी कब आती है, मेहंदी कब आती है, जब चांदनी रातें होती है, और चांदनी रातें कब होती है, जब दाम लगते हैं, दाम कब लगते हैं, जब मोहब्बत रूठ जाए, मोहब्बत रूठ जाए तो फिर दोराहा आ जाता है, जहां दोराहा आ जाता है वहां पर काफिर हो जाते लोग, और जहां काफिर हो जाते हैं वहां पर इस उड़ान मिल जाती है, उड़ान मिलती है दोबारा दीन की तरफ आने के लिए, और उसके बाद जब आपको उड़ान मिलती है तो उड़ान जब भरते ही आप दिल लगी करने लगते हैं, और दिल लगी करने के लिए आपको लेडीज पार्क चाहिए होता है, लेडीज पार्क में आप ये कहते हैं हमसे जुदा ना होना, हमसे जुदा होना में आप किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं कभी कभी प्यार में, और फिर उसके बाद कभी कभी प्यार में आप इश्क इंतहा कर देते हैं, और इश्क इंतहा जहाँ आप करते हैं वहीं पर आशिती आ जाती है, वहीं पर आपकी नीयत पता चलती है, वहीं पर इश्क जुनून दीवानगी नजर आता है, और वहीं पर मेरे पास तुम हो शामिल हो। इनका 25 साल का काम एक तरफ, और खलील रहमान कमर, और मेरे पास तुम हो एक तरफ, ये एक तरफ खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ बड़ा तारीखी ड्रामा, और मैं कहता हूं कि हुमायूं सईद ने उसमें कमाल कर दिया यार, कमाल, मतलब आज तक लोग दानिश की मौत को भूले नहीं है, उस पर इतने गुफ्तगू लोगों ने की, हम लोग चूंकि असेंबली में भी होते, वहां कहा कि जी दानिश जो है वो नवाज शरीफ के लिए कर्जों की वजह से मरा, दानिश वाला, मतलब हर आदमी ने उस पर तबसरा किया, हर आदमी ने, तो मैं इस बात पर खलील रहमान कमर साहब को भी और हुमायूं सईद दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। एक तरफ इस किरदार और ड्रामे को वो शोहरत मिली जिसने तारीख रकम कर दी फिल्मी करियर में, बतौर फनकार और हिदायतकार भी इन्हें बेशुमार कामयाबियां नसीब हुई, मुझे ये एजाज़ हासिल है, और मैं ये एजाज़ से कहूँगा, मैंने इनकी दो फिल्में ऐसे देखी कि एक तो मैं बाकायदा देखने गया, ड्राइव इन में देखी थी मैंने, उस जमाने में ड्राइव इन सिनेमा होता था जहाँ पर अब मॉल बना हुआ है, उधर मैंने फिल्म देखी थी इंतहा, इंतहा इंतहा समीना पीरजादा साहिबा की,
इंतजार फिल्म थी, मैंने वो जाकर देखी थी। और एक मैंने फिल्म इनकी देखी जो इन्होंने मुझे खुद बुलाया था उसमें, वो थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी। और वो क्या प्रोडक्शन थी, मैंने इनके साथ सिनेमा में बैठ के देखी, उसमें 7 मिनट के लिए कहीं चले भी गए थे, लेकिन बड़ी शानदार इसमें इनकी परफॉर्मेंस थी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी में बेहतरीन काम किया था, बेहतरीन। साल 2015 वो इनके लिए शानदार साल था। उन्होंने दो बड़ी ब्लॉकबस्टर बिन रोए और जवानी फिर नहीं आनी सिनेमा इंडस्ट्री को दी। और 2017 में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, पंजाब नहीं जाऊंगी में इन्होंने कमाल ही कर दिया, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। बेपनाह शोहरत के बावजूद बहुत ही मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं, भरपूर तालियों में इनको बुलाने जा रहे हैं। okay. अपनी वाली तालियों में अब मैं अपना काफिया मिला रहा हूँ। इनका काफिया क्या बनाऊ, हाँ काफिया ये बनता है इनका कि जो है कामयाबी की नवीद, कामयाबी की नवीद, जिनकी किस्मत है सईद, जिनकी किस्मत है सईद, और जिनको देखे तो हो जाती है ईद, तशरीफ लाते हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी मैं ठीक बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कुछ शिकायत मुझसे? आपने जिस किस्म का इंट्रोडक्शन दिया है वो शिकायत थी भी तो खत्म हो जानी चाहिए, आज ईद का दिन है। मैं वाकई आपसे नाराज था, कुछ ब्लॉगर्स ने और वो एक क्लिप निकाला कि उसमें आपने कहा है कि हुमायूं से जितनी बदतमीजी कर लो तो अल्लाह भी माफ कर देता है। तो एक तो आप मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते ना, तो वो और ऐसे लग रहा था जैसे आप एक्चुअली चाहते हैं हुमायूं से बदतमीजी एक्चुअली करनी चाहिए। लेकिन वो ये जुमले नहीं थे, अगर आप कहते दिखा दो तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे दिखा दें। मैं चाहूंगा कि आप उनको दिखा दें जो मुझे दिखाऊंगा भी नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपके लिए अपनी हर चीज छुपा के रखता हूँ, दिखाने की जरूरत फिर भी दिखा देता हूं। नहीं लेकिन आप दिखाएं, ये उनको मैं दिखाऊंगा, उनको मैं दिखाऊंगा। आप क्या कहते हैं, आपने ये नहीं कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैं तो पूरा अभी आपके सामने खोल के दिखाऊं, ये देखिए खोल के। हालांकि हुमायूं से आराम से बदतमीजी कर सकती थी, मैं कोई भी बदतमीजी कर सकती, नहीं कर सकती किसी के साथ, नहीं मैं करवा के दिखाऊंगा कभी साथ हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, तो मुझसे हो नहीं रहा था। आप कसम नफसी से काम ले रही है, हुमायूं को आंखें बंद करके बदतमीजी कर ले अल्लाह भी माफ कर देता है, हुमायूं को आंखें बंद करके बदतमीजी कर ले अल्लाह माफ कर देता है, हुमायूं को आंखें बंद करके भी बदतमीजी कर ले अल्लाह माफ कर देता है। दोबारा सुनो, ये वाला ये वाली लाइन दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। कहना ये चाह रहा है हुमायूं से कोई, हुमायूं कोई आंखें बंद करके भी बदतमीजी कर ले, दोबारा देखें हुमायूं खुद, हुमायूं से आराम से बदतमीजी कर सकती थी, आप हुमायूं से कोई आंखें बंद कर सकती किसी के साथ, नहीं नहीं मैं करवा के दिखाऊंगा कभी साथ हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, यहां से सुनिए, तो मुझसे हो नहीं रहा था। आप कसम नफसी से काम ले रही है, हुमायूं को आंखें बंद करके बदतमीजी कर ले अल्लाह भी माफ कर देगा, हुमायूं को आंखें बंद करके बदतमीजी, हुमायूं कर ले अल्लाह भी माफ कर देता है, ये तो फतवा दिया है। लेकिन मैं क्यों, ये वाह 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 वाह, ये अब तो बंद है यार, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझे पता है, मैं इसीलिए यहाँ शो पे आके ये बात क्लियर करना। अच्छा वो क्लियर, जिन लोगों ने ये हमारे दरमियान गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के दो खतरनाक लोगों के दरमियान, ये गलत किया उन्होंने। दो खतरनाक लोग, दो खतरनाक लोगों के दरमियान, अपनी फील्ड के खतरनाक लोग हैं। खतरनाक क्या होता है, खान साहब कहते हैं कि खतरनाक बॉलर था माइकल होल्डिंग, खतरनाक बॉलर था। आप खतरनाक का मतलब आपको खा जाते थे आके, नहीं डरते थे उनकी परफॉर्मेंस, खतरनाक का मतलब होता है खतरनाक परफॉर्मेंस। आप ठीक कह रहे हैं, अब ठीक है, चल मुस्कुराते दो। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और ऐसे ये अंदर से ना सही तरह मुस्कुरा दो, क्या करूँ मैं, दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा चलो चलो ठीक है। अच्छा ये बताएं आपके, अच्छा भाई अब आ जाते हैं, तो अब माशाल्लाह क्लियर हो गई जी। इनके वालदैन का ताल्लुक पंजाब से, और ये कराची में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैट्रिक तक तालीम इन्होंने नासरा हाई स्कूल से की, ये यही बड़े कपड़ी के पीछे बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के निकले, और इसके बाद फिर सेंट पैट्स में गए, और बाद फिर उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। यही इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लिखा पढ़ा फनकार है,
और आप एक बात का यकीन करें या ना करें, मगर मैं कह देता हूँ, वो ये कि बचपन से बहुत शर्मीले हैं, ये बहुत शर्मीले हैं। इनके वालिद जनाब मोहम्मद सईद साहब बहुत सख्त मिजाज थे और ये उनके बड़े बेटे थे, लिहाजा छोटे बेटों की नस्बत इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी भी थी और सख्ती भी करते थे। और शरारतों पर इन्होंने बचपन में अपने वालिद से इतनी मार खाई, हमने भी खाई, सब खुश नसीब है वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप से मार खाई। इसी के अगर माँ बाप फिर नहीं रहते तो वो मार याद आती है उनकी, वो अम्मी का चप्पल से मारना, वो अब्बू का थप्पड़ मार देना, वो सब याद आता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत शर्मीले थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे, इसलिए हाफ टाइम में पेट का दर्द बहाना करके कि पेट में दर्द हो रहा है स्कूल से चले जाते थे और जाकर फिल्म देखते थे। हर इंसान एक अपने दौर की तरफ बढ़ रहा होता है इंसान, उस वक्त अगर आप ये देखें यार ये क्या करने जा रहा है, किसी को क्या पता था कि बहाना करके फिल्म देखने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बन जाएगा। अच्छा बहन कोई नहीं? नहीं, हमारी भी कोई बहन नहीं थी। मैं अपने सिमिलैरिटीज और मुश्तरकात बता रहा हूँ। आपकी कोई बहन नहीं? नहीं। अच्छा, हमारी भी नहीं थी, मगर आप पांच भाई भाई थे, हम दो भाई थे। ठीक है, उसके बाद जो है आप सबसे भाइयों में सबसे बड़े हुमायूं सईद है, फिर बाबर सईद है, अब फिर देखो एक और भाई है, देखो कुदरत ने इनके घर में ही पहले से बच्चा दिया भाई, आमिर सईद, आमिर है घर में, ये चाह के भी आमिर को घर से निकाल सकते, ये क्या करेंगे? अगर आमिर लियाकत न सही, आमिर सही तो है, कहना तो पड़ेगा आमिर मेरे भाई है, कहना तो पड़ेगा आमिर मेरे भाई है, मैं कहूँ आमिर तुम्हारा भाई है कि नहीं, आमिर मेरा भाई है, आमिर सही, और उसके बाद फिर अदनान सही, और फिर उसके बाद सलमान सही, ये पांच भाई है। सबसे छोटे भाई सलमान सही जो है वो मेरा दिल मेरा दुश्मन समेत कई ड्रामों में काम कर चुके हैं, और जबकि अदनान सही भी बाद ड्रामों में काम कर चुके हैं, जिनमें महमूदाबाद की मलका है उनका नाम नुमाया है, आमिर सईद अमेरिका में थे गालिबन अब वापस आ गए। पांचों भाई जब इकट्ठे होते हैं तो बचपन की बातें, बचपन की यादें एक दूसरे से शेयर करते हैं, हुमायूं सईद बड़े और जिम्मेदार भाई का सबूत देते हुए छोटे भाइयों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ये बड़ा जिम्मेदार आदमी यार, ये क्या कर, इसने बहुत मेहनत की है, आज जाकर इसने अपना कोई घर बनाया है, जो मतलब हुमायूं सईद ने शायद सोचा भी नहीं था, बड़ी बहुत मेहनत की है चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा बड़ा वक्त देखना पड़ा और गुजारना पड़ा, ऐसा हुआ था भाई? बिल्कुल ऐसा कि आपने बड़ी जिद्दोजहद की, बहुत जिंदगी में जिद्दोजहद से गुजरे, इसलिए मुझे आज जो भी खुदा की तरफ से मिला हुआ है हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं था, मुझे ज्यादा ही मिला हुआ है यार। मुझे आपकी भी बातों से क्या, ये आपकी इनकी सारी, ये आपकी आज ही देखो, आज आप अल्लाह ताला ने आपको प्रोडक्शन हाउस दे दिया, उस दौर में आपने किया जो सोच भी सकता था कि प्रोडक्शन हाउस बनाएगा, फिर भाभी का अलग है, आपका अलग है, मतलब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी आप पर करम नवाजी की है, इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का आप पर खास करम। मेरे साथ जो भी कोई मजाक करता है, ज्यादातर मजाक करते हैं, ज्यादातर मेरे दोस्त होते हैं जो सीरियस, इतने क्यों हैं कि कीलें लगी हुई कुर्सी में, मैं और क्या मैं करूँ, क्या ऐसे से करता हूँ ऐसी बैठने मैं बहुत खुश हूँ, खुश है। तो मैंने कहा जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो अहमद भट्ट हो, वासे हैं, ये इन सब ये सब मजाक करते रहे हैं मेरे साथ, और मैंने कभी बहुत ज्यादा कभी बुरा नहीं माना। और ये भी जो बात आई थी, क्योंकि अब आजकल ये हो गया कि कोई भी बात कोई कह देते हैं, बात पकड़ के वो इतना फैला देते हैं और उसके गलत मतलब और गलत मतलब निकाल देते हैं, सही भी निकालें तो उसको उस तरह फैलाना नहीं चाहिए, तो वो फिर यू नो आपके घर वाले या आपके करीबी दोस्त जो होते हैं वो खुद आपको बताते हैं यार ये देखो ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। चलो आपको शार सुनाता हूं मैं, झूठी खबरें गढ़ने वाले, झूठे शेर सुनाने वाले, हुमायूं सब्र के अपने किए की जल्द सजाएं पाने वाले, दर्द तो आंखों से बहता है और चेहरा सब कुछ कहता है, ये मत लिखो वो मत लिखो, आए बड़े समझाने वाले, वाह वाह आए कसौटी की तरफ आते हैं और दिखाइए मेरे कसौटी के लवाजमा, ताकि उसमें से चूज करें, खाना हादसा मकाम वाकया शख्सियत, खाना चूज किया है मायूं सईद ने, खाने में क्या होगा एक वफा लेते हैं, वक्फे के बाद आते, आज का जीवे पाकिस्तान हो रहा है पाकिस्तान की जान हुमायूं सईद के साथ, जीवे पाकिस्तान देखते रहिए, वक्फे के बाद आते हैं, जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान ईद स्पेशल शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, फिर एक बार तबा ईद मुबारक तमाम नाज़रीन को। और अब चूंकि कसौटी का आगाज़ हो गया है और जनाब हुमायूं सईद ने खाने का इंतखाब किया है, तो खाना इनकी तरफ हम लेकर चलते हैं। खाना जो हम आपसे पूछने के लिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर खाना है और बिलखसूस ये पेशावर में बनता है। ये मैंने आपको चीज़ बता दी, अब बाकी आप मुझसे 10 सवाल कर सकते हैं पूछने के लिए कि क्या चीज़ है, क्या हो सकती है, क्या ये बनता है, क्या ये बनता है, क्या इसका नाम ये हो सकता है, क्या नाम भी पूछे, बल्कि कि नाम तो आप आखिर में बताएंगे, खुद बताइए। तो 10 इशारे आपके पास हैं। ओके। और ये भी हो सकता है कि हम आपके अच्छे सवाल करने पर हम आपको ग्रेस मार्क दे दें और कि जी आपका इशारा हम नहीं मानते, आपको हम और आगे लेके चलते हैं। आप सही जा रहे हैं, तो बस ये बड़ी मशहूर डिश है। अब आप पूछना शुरू करें क्या गोश्त है, क्या ये है, क्या फला, इस तरह आप शायद बोल जाए। है इसका ताल्लुक, मैंने आसान कर दिया है, पेशावर से। ठीक है। ये जो डिश है ये कढ़ाई में बनती है? कढ़ाई में बनती है। और गोश्त? गोश्त है, गोश्त तो लाजमी। हाँ। चाहे वो मटन हो या चिकन। मटन 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 होता है, मटन 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 मतलब ये कि तुम्बे का गोश्त। बड़ी ग्रेवी वाली होती है? ग्रेवी थोड़ी सी होती है सर जी। आप पेशावर का एक डिग्री बाजार है, डिग्री बाजार, तो डिग्री बाजार में जब आप दाखिल होंगे तो वहां पर आपको रंग बिरंगी चारपाइयां नजर आएंगी। उन चारपाइयों में जब आप जाएंगे तो आपको एक तरफ एक मशहूर जमाना एक यूँ समझ लें कि पेशावरी चप्पलों की दुकान है, वहाँ चप्पलें मिलती हैं और वहीं पर फिर बहुत सारी दुकानें, एक दुकान पर खास रश रहता है, वही वो डिश है। दुकान का नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसमें उसका नाम शामिल। ये उनकी जो पेशावर की जो कढ़ाई होती है वो तो हो गई, वो नहीं है, वो नहीं है। दुम्बे निसार, निसार नाम के आदमी दुकान दुकान है, निसार नाम मशहूर है, निसार इस काम के। दुम्बे का पहले वो निसार के वालिद काम करते थे, जो दम पुख्त, नहीं दम पुख्त भी नहीं, दुम्बे के गोश्त के पसंदीदा टुकड़े लोग कहते हैं कि हमें ये वाला काट दे, तो ये काट कर उसमें कढ़ाई में डालते हैं और फिर उसके बाद चर्बी में वो बनता है। वो डिश क्या है वो बता दिया। मैंने खाया हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहुत बड़ा डिग्री बाजार, बहुत बड़ा है, काबली पुरजों के मराकज है, काफी बड़ा। वही उसका एक नाम है ना उस डिश का? हाँ उसका एक नाम है ना, नाम है नमक मंडी में मिलती है, असल में वही डिग्री बाजार में नमक मंडी है। आ रहा मतलब पुलिस हाथ, अभी आपके इशारे बाकी हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा। मतलब नमक मंडी के चारों तरफ जो है ना नंग धड़ंग, मतलब नंग धड़ंग गोश्त लटके हुए होते हैं, मतलब दुम्बे के उसके नंगे गोश्त, मतलब खाल उतर चुकी होती है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। नाम आएगा यार, आप कोशिश करें, वो ना फ्रेंड करें, कुछ भी करें। नमकीन गोश्त क्या? नमकीन गोश्त होता है लेकिन ये नमकीन गोश्त नहीं है, लोग इसकी ये नमकीन भी होता है जो ये बन रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है सोच सोच के। लेकिन इसके साथ हाँ। वो चावल, चावलों का कोई चावल नहीं होता। ये असल में निसार साहब के जो वालिद थे वो यहाँ बैठा करते थे और वो वहां बैठ कर कुछ करते थे, मतलब एक काम में, तो सिवा उनके वालिद को कहा भी आप यहाँ से जाए, फिर बाद चाचा आने लगे, चाचा को आप भी बैठे आराम से। नहीं मैं समझ तो गया हूँ ये वो कौन सी जगह है, आपने कहा अभी मैं खाया भी, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। माँ दुम्बे के गोश्त को तड़का लग रहा होता है, भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है, नमक मंडी मार्केट है, अब चारों तरफ नंग धड़ंग लटके हुए जो गोश्त है, और उसके बाद ये वहाँ की स्पेशलिटी है। हाँ स्पेशलिटी वहाँ की। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नहीं आप करें कोशिश। मैं पहुंच गया, मैं कैसे नहीं, मुझे नाम। अच्छा अच्छा अब मैं बताता हूँ, निसार साहब के जो वालिद साहब थे ना, हाँ निसार साहब के वालिद साहब अब्बा हमारे, तो वो जो है वो आप सिगरेट पीते थे भरी, उससे नाम का क्या ताल्लुक है? बवाड़ा ताल्लुक है, जर्सी टिक्का। जर्सी टिक्का यस।
सी टिक्का हुमायूं सईद के लिए खाना बहुत जरूरी था. उसकी वजह ये थी कि ये नहीं उसमें चरस होती नहीं है. लोग समझते हैं चरसी टिक्के में चरस शामिल होती है. नहीं भाई, चरसी टिक्के में हर तरह का मसाला शामिल होता है. वो निसार साहब के वाली साहब चरस पिया करते थे वहां बैठ के, तो वो निसार चरसी की जगह मशहूर हो गई. तो उधर से उनको हटाया, भाई अब्बा जाओ यहां से, हमारे चरसी मशहूर हो गई जगह. तो इसलिए वहां पर का जो टिक्का बनता है उसे चरसी टिक्का कहते हैं. चरसी टिक्के में कोई चरस नहीं होती. इनको मैं इसे कह रहा खाना जरूरी है क्योंकि ये हर शहर की सकाफत को साथ लेकर चलते हैं. कल को अगर हुमायूं सईद को कोई पख्तून का रोल अदा करना पड़े तो चरसी टिक्का खाना बड़ा जरूरी था इनके लिए. मैं यहाँ भी खाता हूँ, यहाँ भी एक खैबर रेस्टोरेंट है. अच्छा, यहाँ मिल रहे हैं? मिलता है, बहुत जबरदस्त होता है ना. बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत क्लोज होता है उसके, लेकिन वह पेशावर वाले का टेस्ट ही डिफरेंट है. तो मैं चरसी टिक्का में सही जवाब दे दिया. अब फिर की तरफ बढ़ते हैं. हुकमा का कहना है, आगे रखे भी होंगे, हुकमा का कहना है डैश जरूर और कसरत से खानी चाहिए. क्या खानी चाहिए? डैश. तो डैश में क्या आएगा पता चल जाएगा. डैश जरूर और कसरत से खानी चाहिए. इसके सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं. मूली या मछली, इसमें एक चीज ऐसी है कि अगर आप खाएंगे तो सोशल डिस्टेंस खुद ब खुद कायम हो जाएगा. आजकल अगर किसी को सोशल डिस्टेंस कायम करना हो तो वो उसमें से एक चीज खाए. सोशल डिस्टेंस रखना हो तो हाँ रखना होगा. मूली हो, मूली हो जाए. लेकिन आप हुकमा क्या कहते हैं, मूली हकीम, मूली या मछली खाने में जरूर कैसे से खानी चाहिए? मैं नहीं, आपके लिए नहीं, मछली 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 इज द राइट आंसर. यस, ज्यादा डैश मौत से गफलत की निशानी है. ज्यादा हंसना या ज्यादा रोना, एक हदीस का मफहूम है. ज्यादा हंसना मौत से गफलत की निशानी. हंसना, ज्यादा हंसना मौत से गफलत की निशानी. ज्यादा हंसने से मुराद ये कि बिन मौका बिन महल आप हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं. तो जैसे हम बैठे तो आया हंसी मजाक की थोड़ी बात हो रही, लेकिन आप बिलावज हंसे जाए कहीं बैठे हर दो बिलावज जाए, तो वो जो है बड़ी खतरनाक चीज है. वो मौत से गफलत की निशानी है. बिल्कुल सही कहा. सही बाद औकात ज्यादा डैश होने से भी इंसान अपना सुख चैन खो बैठता है. दौलत या दोस्त? दौलत. गलत. ज्यादा दौलत होने से इंसान अपना सुख चैन खो बैठता है. हुमायूं सईद ने बिल्कुल सही कहा. डैश से लापरवाही बाज़ औक़ात इंसान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस भी बन जाती है. मर्ज या फर्ज? नुकसान. फर्ज से लापरवाही. नाकाबिले तलाफी नुकसान इंसान उस वक्त उठाता है कि जब वो अपने फराइज को भूल जाता है. अगर वो अपने फराइज को भूल जाएगा तो फिर वो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाएगा. इंसान को अपने फराइज याद रखने चाहिए ताकि वो जाने कि उसके फर्ज क्या क्या है. तो हुमायूं सईद ने बिल्कुल सही कहा, फर्ज से लापरवाही इंसान को के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बन जाती है. बिल्कुल सही कहा. देश की ताकत का मुकाबला कोई आसान बात नहीं. अब इल्म और कलम. इल्म की ताकत का मुकाबला या कलम की ताकत का मुकाबला? कलम की ताकत का मुकाबला. जमाना यूं तो हर किसी पर नजर नहीं करता, कलम की बेअदबी दरगुजर नहीं करता. कलम की राह में जो आए सर झुका कर आए, ताजो तख्त हुकूमत को ठोकर लगा कर आए. कलम की ताकत. मैं जब से आपने मेरे पास तुमो किया तब से आप संजीदा हो गए. कुछ दिनों के लिए हो गया था लेकिन अभी तो नहीं. आप दानिश ही समझ रहे हो? नहीं नहीं, मैं दानिश. आप दानिश हो नहीं. मेरा मुंह ही ऐसा है. मगर आप दानिश नहीं हो. नहीं हो ना, तो जो हो रहा किसी हद तक होना चाहिए. वो जरूरी
वो जरूरी है। समीर भाभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मेरा समीर भाभी अस्सलाम वालेकुम, आप बुलाती नहीं अब खाने में, कीमा बुला के खिलाया था आपने, क्या जबरदस्त कीमा बना था, हमने आकर खाया था, आप बुलाती नहीं, मुझे पता आप क्यों नहीं बुलाती, नहीं बुला लीजिएगा। चले चले, हमें कोई मसला नहीं है, आप आ सकते हैं। आप कहाँ बिजी आदमी, आप कहाँ हैं? नहीं नहीं, आप हुक्म करेंगे, आप बताएं, बस सही है, उड़कर आ जाऊंगा। हुक्म आने वाला है आपको, आप आ जाओ, ठीक है, बस सही है, हुक्म आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं उर्दू नामे की तरफ, और उर्दू नामे में आपसे हम पूछेंगे अंग्रेजी का एक वर्ड, आप उसको उर्दू में तर्जुमा बताना होगा, ठीक है ना? काम, काम, सी ए एल एम, काम, 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 कूल एंड काम, कूल 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 काम, सो कूल काम, कूल एंड काम, सुकून, एक एक क्या मैं बहुत कूल और काम आदमी हूं, मैं बहुत ठंडा, प्लीज काम योरसेल्फ, हां मैं बहुत ठंडा और खुद को ठंडा रखे, ठंडा रखे, मैं बहुत कूल एंड काम, मैं बहुत ठंडा और इसका ताल्लुक आपके 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 सुकून से, सुकून, ये तो मैंने, ये तो मैंने सबसे पहले बोला है, सुकून का वर्ड तो मैंने सबसे पहले लिया। अच्छा मैं दारू सुकून समझाऊंगा। सुकून मैंने पहले कह दिया था, आपने सही बोला, मैं समझा कोई और वर्ड है। अच्छा नहीं, एडवांस, एडवांस जो कि आपको एडवांस पहले जमाने में मिलते होंगे, अब नहीं मिलता। अच्छा एडवांस के दो मायने होते हैं, एक एडवांस का मायने होता है जो माशरे में होती है एडवांसमेंट, एडवांसमेंट जिसको कहते हैं, और एक एडवांस होता है, एडवांस वो है ना जो एडवांस जो आप देते हैं, जो आप देते हैं और कोई लोग लेते हैं, ये देने और लेने का नाम एडवांस भी है। मुझे सैलरी एडवांस चाहिए, तो एडवांस ही वर्ड यूज करते हैं वो, इसका उर्दू वर्ड क्या होगा? एडवांस कर्ज नहीं, आप दोनों में से कोई कभी वर्ड बता सकते हैं आप, यानी अगर आप इसका बता रहे हैं इसका मतलब एडवांसमेंट को क्या कहते हैं वो बता सकते हैं आप, एडवांस वो भी कह सकते हैं, एडवांस बड़ा एडवांस हो गया माशरा, जब कहीं पर भी जब किसी माशरे में वो होती है, क्या होती है वो, जो होती है जो यूं होकर यूं हो जाती है, एडवांस, हाँ एडवांस, वो यूं होती है और फिर हो जाती तब्दीली आ गई, एडवांसमेंट मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से हो सकती है ना, एक तो बहुत आजाद हो जाना या तरक्की, तरक्की, यस तरक्की, वेरी गुड, और एडवांस जो ये पहले बताने चाह रहे थे वो था पेशगी, पेशगी दे, पेशगी, पेशगी, पेशगी दे, मेरे मेरे जहन में बार बार कर्ज आ रहा था वो पेशगी। अच्छा अब आजकल देखो ये गाय दुम्बे उम्बे सब है तो कैटल, कैटल रेवड़ ना, कैटल हमारे सुपर हाईवे लगी हुई है, कैटल मंडी, बकरा मंडी नहीं, मवेशी, मवेशी मंडी, यस यस। आजकल आप भी कंट्रोल रखते होंगे और जाहिर है अपनी कैलोरीज को बड़ा कंट्रोल रखते रहो, तो कैलोरीज को क्या कहते हैं? अच्छा आपने बहुत सी फिल्मों में और बहुत से ड्रामों में आपने गरारा देखा हो, गरारा, गरारा से मिलता जुलता लग रहा है, अब गरारा में गैर होता है, इसमें एन गैर फे काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे के अंदर से कोई चीज है, और सोचो क्या नून वाओ हे में से नरारा है, बरारा है या हरारा है?
फरारा है, फरारा चल बरा हरारा हरारा हरारे को कहते हैं। खुद कंट्रोल कर रहा है अपनी छाड़ी के लिए। मैंने वाकई इसकी उर्दू पता ही नहीं मुझे, हरारा मैंने मुझे एक दिन हुमायूं से ही साफ फरमाते हैं, जगह मिले खेले आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, ये हड्डियां क्यों नजर आ रही? हड्डियां बन रही, हड्डियां मैंने कहा अल्लाह क्यों कर रहा है हड्डी नहीं, ये क्यों बन रही है? मतलब हड्डियां बन रही यहाँ है हड्डी नहीं, ये क्यों इस तरह से क्यों आ रही है, क्या है? मैंने फिर मैंने बाद में जाकर गौर किया, मैंने कहा ये बात क्यों कह रहा है? तो वो असल में हड्डी नहीं बनी हुई थी, वो असल में हुआ ये था कि वो मेरे बच्चे छोटे छोटे एक दिन थप्पड़ मुझे मार दिया था। मैंने कहा यार ये हड्डी तो नहीं थी यार, तो वो एन लगा वही जाके था जहाँ से ये हड्डी बन जाती है। नहीं लेकिन अच्छा था वो कंटूरिंग लग रही थी। अच्छा कंटूरिंग लग रही थी, चल इसी तरह पढ़वा के बच्चों का। अच्छा चल आज अब आ जाते हैं एग्नी एग्नी एग्री एग्नी जो आप अभी आने से पहले थे सहमत। हाँ है सहमत, सहमत तो इत्तेफाक होता है, एग्री होता है, एग्री होता है, ए जी ओ एन वाई एग्नी एंग्री एग्नी ए जी ओ एन वाई एग्नी। अभी आने से पहले आप एग्नी में थे यानी आप उसमें थे, आप मतलब अजियत में थे। कह दिया मैंने, जवाब दे दिया मैंने। शशोपंज नहीं, शशोपंज में बाटो बाटो में मैं क्या किया, बाटो बाटो में क्या किया मैं, जब पानी ज्यादा उठा है तो पानी ज्यादा आठा है। मैंने आपको कह दिया एग्नी अमूमन लोगों को घरों में जाकर होती है। एग्नी नाराजगी घर में जाते ना, घर में आपका घर नहीं, जैसे जो घर में जाते उसमें मतलब ये कि लोगों को तकलीफें देना, अजियत 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 अजियत। अजियत में होते ना लोग जब लौट की तरफ आ जाए। ईद के दिन आपने इम्तिहान रख लिए यार, आपने सारे जवाब सही दिए। आ जाइए, ये आप ये ईद के दिन ही आप कर रहे हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यस। और ये ईद के दिन ही होता है, ईद इसी को कहते हैं। आ जाए दिखा दे दूसरा वर्ड। ये बहुत सारे होते हैं लेकिन इनमें से इसका अगर एस हटा दे तो ये एक होता है और ये ईद के दिन को ही कहा जाता है। ईद क्या है इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक फेस्टिवल। फेस्टिवल यस। एक वक्फे थे, वक्फे के बाद अगले तीन वर्ड और मौजूद हैं जिनसे पूछ रहे हैं, उसमें से एक तो इनके बहुत करीब है वर्ड भाई, बहुत करीब, आप सोच नहीं सकते इतना करीब है। ऐसा वर्ड लेकर आ जाएगा मुझे नहीं पता था इनके अंदर है वर्ड, अंदर से बाहर निकाला है वो, उसके से ये चल रहे कमाल है भाई। वक्फे के बाद बताता हूँ, वक्फे के बाद आइए जय भाई पाकिस्तान। एक बार फिर आपको जी पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं पाकिस्तान के अच्छे दिनों की नवीद हुमायूं सईद। आप एक दो बातें में और हुमायूं के बारे में आपको बताना चाहूंगा, हाँ उसके बाद हम तीन वर्ड और उसी तरह बढ़ते हैं। 2012 इनके लिए बड़ा तकलीफ दे साल था। 2012 में इनकी वालदा मोहतरमा जकिया राना सईद साहब और 2017 में इनकी वालिद मोहम्मद सईद साहब दोनों इस जहान फानी से कूच कर गए। माँ बाप का चला जाना इंसान के लिए एक बहुत दर्दनाक अलमिया होता है और माँ बाप के इंतकाल के लम्हात ऐसे लम्हात होते हैं कि इंसान फिर उन्हें कभी भूल नहीं सकता और आज भी ये उदासी इनके आपको चेहरे पर भी नजर आएगी। जाहिर है कि ज़िंदगी में वो कभी तो पूरी हो ही नहीं सकती, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। करियर के दौरान बेशुमार कामयाबियाँ इनको मिली हैं और ये इसका क्रेडिट अपनी वालदा की दुआओं को करार देते हैं।
एक बहुत सआदतमंद बेटे की निशानी है। हुमायूं सईद से मोहब्बत की कई वजूहात हैं, उनमें एक वजह यह भी है कि हुमायूं सईद ने एक बहुत ही फरमाबरदार, बहुत ही लायक फाइक और माँ बाप के एक ऐसे बेटे होने का सबूत दिया जो अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अपने वालदैन को देता है आज भी, और जब जिंदा थी वालदा साहिबा तब भी ये दिया करते थे। कहते हैं कि वालदा ने कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, और मेरे पास तुम्हों की कामयाबी ने देख लिया कि वालदा थी नहीं लेकिन उनकी दुआएं साथ थी, पूरी दुनिया ने देखा कि मेरे पास तुम कितना मकबूल और कितना कामयाब। तालीम मुकम्मल हुई, तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ नौजवान फनकारों को और आने वाले जो एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि शायद ये, क्योंकि मैंने तो भाइयों का करियर अपनी आंखों से जुदैद कर देखा है, हम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फैमिली रिलेशन भी है, लेकिन इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं होता। आप लोग समझते कि शायद ऐसे कोई पहुँच गया। इन्होंने तालीम मुकम्मल हासिल करने के बाद, यानी मुझे मुकम्मल की, तो एक गारमेंट फैक्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री में ये बतौर जनरल मैनेजर वाबस्ता हुआ। कोई सोच सकता है भाई सही, एक गारमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर, अब उसके बाद तीन फैक्ट्रियों को सुपरवाइज करते थे एक वक्त में, और ये भी हुआ कि चूँकि हीरो वाली लुक थी, दोस्त कहते थे तो मैं मॉडल या अदाकार होना चाहिए, शुरू से एक लुक थी, उन्हें ये आइडिया तो अच्छा लगा लेकिन खौफ बहुत होता था, शर्मीले थे ना कि यार मैं कैसे करूँ, फिर जनरल मैनेजर की इतनी अच्छी नौकरी है, आमदनी अच्छी है, पता नहीं शोबिज में इतना कमा सकूँगा या नहीं कमा सकूँगा। बहरहाल घर वालों से छुप कर शोबिज में कदम रखा, छुप कर, और ये सोच कर रखा घर वालों को पता चला तो कह दूंगा कि सिर्फ एक ड्रामे में काम किया फिर नहीं करूँगा। और ये भी दुरुस्त है कि अगर शुरू में कामयाबी ना मिलती शायद हुमायूं सईद आपको आगे नजर ना आती, लेकिन अल्लाह ताला ने हुमायूं सईद को चुन लिया था। और इफ़त रहीम के साथ एक कमर्शियल हिट हो गया, तवील दौरानिया का एक ड्रामा था जहर, उसमें इनकी अदाकारी को सराहा गया। अब उसके बाद रास्ते में देख लोग देखते तो कहते वो देखो जा रहा है वो जा रहा है वो जो जहर वाला लड़का है वो जा रहा है, जहर वाला लड़का। तो यहाँ से जैसे मैं जब शुरू में था वो आलिम ऑनलाइन जा रहा है, आलिम ऑनलाइन तो प्ले करता था, ऐसे होता आदमी। अब उसके बाद लोगों ने इनके वालिद को मस्जिद से वापसी पर रोका और कहा जी आपको पता है कि आपके बेटे ने काम तो बहुत अच्छा किया है जो अधिकारी का है, तो उस पर इनके फिर वालिद को फख्र हुआ। और जब वालिद जाहिर लोग बता रहे अच्छा काम किया है, फख्र हुआ। और 1996 में खालिदा रियासत रूमा के साथ तुम जा सकते हो मैं इन्हें शानदार काम किया और मुनफरद पहचान बता ली। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ती है आगे आने के लिए, सब कुछ मिल नहीं जाता। अभी मैं ऐसी वक्फे में बात कर रहा था तो मैंने कहा मुझे आप ड्रामे में नहीं लेते, तो मुझे कहने लगे आमिर भाई वाकई सीरियस है क्या? मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सीरियस हूँ। तो अब मैं लूंगा आपको, ये तय हो गया, तय हो गया, बताओ। तो मैं इसी बता रहा हूँ कि जब मैंने कहा या मेरी बात, उसमें मेरी आंखों में देखा कि आप ये अपने काम को बहुत संजीदा लेते हैं, ये समझते हैं मजाक मैं नहीं लूंगा, मजाक अगर आप मजाक कर रहे हैं तो फिर वही नहीं, अगर सीरियस है तो बात करें, मतलब मेरा अपना काम है। तो जो काम से मोहब्बत करता है, जो काम से प्यार करता है, वो काम को सीरियस लेता है, और सीरियस लेता है तो फिर हुमायूं सईद बनता है, वरना नहीं बनता। आ जाइए अगला वर्ड, आपके करीब है, आपके अंदर का हिस्सा है, आपने इसको बनाया है। बस मैं शुरू का हिस्सा नहीं है, सिक्स, बस सिक्स नहीं है, सिग्मा, सिग्मा, सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा इनकी कंपनी है और बड़ी तेजी के साथ मकबूल हुई है। और भाभी की अलग है, वो समीना हुमायूं प्रोडक्शन है, ये सिक्स सिग्मा है, वो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल, हां वो नेक्स्ट लेवल, सिग्मा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट भाभी नेक्स्ट लेवल, भाभी नेक्स्ट लेवल। आ जाइए ये आपने बनाई है, ये सिग्मा जो है आपने बनाई है, और ये वो ही है। वैसे ये लोगों की भी होनी चाहिए अच्छी कंपनी, कंपनी कंपनी कंपनी, यस। एक जमाना था कि ARY का जमाना था, मैं जब ARY में था और ARY से मेरे बड़े बड़े गहरे और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, सलमान से, जे से। तो ARY में जब था मैं, तो हुमायूं एक दफ़ा मुझे वहाँ मेरे कहने लगे यार ये ड्रामे व्रामे मुझे नहीं, मैं मूवी करना चाहता हूँ। अच्छा आप बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जो इस तरह कह रहे होते हैं आप कह रहे हैं ये क्या करें मूवी, कुछ कह रहे होते हैं जिनके अंदर एक कुछ लगन होती है,
उस जमाने मूवीज वगैरह नहीं बन रही थी। फिर जब देखा हुमायूं ने मूवी में काम करना शुरू किया तो ये अब लोग कहते हैं कि हुमायूं सईद बना ही बड़ी स्क्रीन के लिए था, क्योंकि थी नहीं छोटी बड़ी स्क्रीन पर, उसमें काम नहीं हो रहा था। वो चार फिल्में थी सिर्फ। समीरा पीरजादा जैसी डायरेक्टर कहाँ है, कहाँ थी वो, मतलब उसको वो बना नहीं रही थी। तो उसके बाद जब हुमायूं ने बड़ी स्क्रीन पर काम करना शुरू किया तो बात तय हो गई कि हुमायूं सईद छोटी स्क्रीन पर वारिस जरूर हुए, लेकिन बने वो बड़ी स्क्रीन के लिए थे। ये वही है, आगे बता दे। आप ये इन्हीं के लिए बने और आप यही कर रहे हैं आज। हमारी हमारी वालदा मरूमा जी, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हमें कुछ और बात करो। हमारी वालदा मोहतरमा मरू वो कहा करती थी कि मूवीज यस, वो कहती थी कि आप, मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मेरे अम्मी साहब इनकी बाल बड़े गहरे घने हैं, क्या है क्या वजह? कह रहे बेटा इनकी बीवियां ज्यादा होंगी। ये आपने कैसी बात कर दी? कहने बेटा जितनी बीवियां जिनकी ज्यादा होती है प्यार से हाथ पे हाथ फेरती है, बालों में तो बाल गहरे रहते हैं, क्योंकि हर बीवी का हाथ प्यार से लगता है। तो हालांकि इनकी नहीं है लेकिन फिर भी बाल गहरे माशाल्लाह बड़ी बात है। हमारा कहानी की तरह बात है, वैसे बिल्कुल गलत बात है ये, नहीं हो सकता। जी अच्छा, तस्वीर दिखाएंगे आपको, तस्वीर दिखाई जी। हमें क्या करना है यार बता दें, ये आसमान है, मतलब जैसे आसमान गिर पड़ा, आसमान अभी वो चीज क्या टूटी हुई है ना, आसमान से कुछ गिरा, आसमान मतलब टूट गया है कुछ। गजब खुदा का, ये तुम क्या कर रहे हो, आसमान टूट पड़ेगा। तो आसमान टूट पड़ा यस। अच्छा ये सर, हाँ आपको जुमला बता, हाँ मुहावरा बता, मुहावरा। अब ये जो है, अब जो आ रहा है, ये हम है लोग नहीं समझते मगर ये हम ही है। लोगों ने आज तक नहीं समझा इस बात, भाड़ में गए ब्लॉगर्स, समझे नहीं आते लोगों ने इस बात। गोकिस में एक लड़की है, लेकिन ये मैं आप में से कोई लड़की नहीं है, लेकिन हम फिर भी हैं। देखिए ये मुहावरा बोल रहा है, ये मुहावरा है, जैसे होते हैं ना यकजान, नकजान के साथ आता है, एक जान है वो, एक जान और ये क्या है, दो दिल, दो एक यकजान, दो खालिद, यकजान दो खालिद। इसी में कहता हूँ गालिब फिल्म देखी आपने। ये है, इसमें भाग रहा है कोई और उसने दुम दबाई हुई है, दुम दबा के भागना, दुम दबा के भागना। ये अगला जो मुहावरा है, ये देवानंद साहब की एक फिल्म थी, देवानंद साहब ने देश परदेश बनाई थी, उसका बड़ा मशहूर गाना था वो फिल्म तो आपने देखी होगी यकीन। नहीं मैंने नहीं देखी। देखिएगा उसमें आपके मतलब के गाने सारे जरूर देखा। सारे मैं उसमें ये गाना था, जैसा देश वैसा भेस। याद है अरे देखो अच्छा जी आ जाते ट्रुथ एंड लाई। यस अच्छा, ट्रुथ एंड लाई में ये है कि हम तीन आपके सामने सवालात रखें, उसमें से एक सही है, तीन सेंटेंसेस एक्चुअली, उसमें से एक सही है,
एक हम गा के बताएंगे आपको, बाकी हम सीधे सीधे बताएंगे, है ना। पहला भाई, हाँ जी, कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, कुर्बानी के गोश्त को पांच हिस्सों में बांटा जाता है, कुर्बानी के गोश्त को सात हिस्सों में बांटा जाता है। अरे बोलो 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 बोलो, तुम तो बोलो कितने हिस्सों में बांटा जाता है। अरे कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। हुमायूं सईद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो आ जाओ, कमाल है आप, ये भी अच्छा सर, कमाली चीज है। अच्छा जी, फूलों का मुल्क न्यूजीलैंड को कहा जाता है, फूलों का मुल्क हॉलैंड को कहा जाता है, फूलों का मुल्क स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हॉलैंड, फूलों का मुल्क हॉलैंड को कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दूसरे, दो दांत का बकरा एक साल का होता है, दो दांत का बकरा दो साल का होता है, दो दांत का बकरा तीन साल का होता है, एक साल का, दो दांत का बकरा एक साल का होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। के इलेक्ट्रिक से मुताबिक सवाल है, अगर 100 पावर का बल्ब मुसलसल 10 घंटे चलता रहे तो बिजली का 10 यूनिट खर्च होगा, अगर 100 पावर का बल्ब मुसलसल 10 घंटे चलता रहे तो बिजली का 5 यूनिट खर्च होगा, अगर 100 पावर का बल्ब मुसलसल 10 घंटे चलता रहे तो बिजली का 1 यूनिट खर्च होगा, और अगर के इलेक्ट्रिक इसमें शामिल होता, अगर 100 पावर का बल्ब मुसलसल 10 घंटे चलता रहे तो बिजली का 1000 यूनिट खर्च होगा। ओवरबिलिंग, यस। एक यूनिट, बात तो सही है, मसला ये कि बात तो बिल्कुल सही है। अब ये के इलेक्ट्रिक को कौन समझाए, कैसे समझाए भाई, एक यूनिट खर्च होता है, कैसे समझाओ उनको, ओवर बिलिंग मत करो, एक यूनिट खर्च होता है के इलेक्ट्रिक वालों, मत करो ओवर बिलिंग, मत करो, छोड़ दो कराची वालों को, जुल्म मत करो उनके साथ। हाय राम, आ जाते हैं आप, हमारी एक ट्रेन है उसका नाम है जेपी ट्रेन, यानी जीव पाकिस्तान ट्रेन, okay. अब हमने मतलब कल ही से शुरू किया हमने, तो वो मुख्तलिफ जगहों पर रुकती है जाकर, तो आप एक स्टेशन से निकलेगी, अगले स्टेशन पर जा रुकेगी, आपने बताना है कहाँ रुकी है, वो जगह बतानी है आपने, तस्वीर नजर आएगी। चलिए जनाब ट्रेन शुरू करें जी। असल में हम लोग करते सर है, आगे फाटक खुला होते हैं ना, अब आराम से बताते रहते, मैं रुक रहा हूँ। सुबह में पंजाब में,
ये पंजाब में नहीं नहीं पंजाब में नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी आज पंजाब इस्लामाबाद ट्रेन ने कहा पंजाब इस्लामाबाद सारे शहर के नाम दे दे दूसरी तरफ भाई चले बता दे मुझे नहीं पता ये है हाई कोर्ट बलूचिस्तान अच्छा ये जो आप आवाज दिखाई थे ट्रेन की तरफ दिखाई गई ट्रेन की इसका ड्राइवर खातून है कोई क्या आगे चले आगे चला भाई हाँ कर दीजिए तेरे फॉरन स्टेशन ये कैसी ट्रेन है चलती स्टेशन आया था लपक चपक लपक चपक लपक चपक चोबर जी है ये क्या है चोबर जी नहीं ये आप पेशावर ये यादगार चौक पेशावर यस अच्छा मुझे आज अपनी कुर्सी में फायदे पता चले ये मुझे नहीं पता था ये इस तरह भी होती है अभी ये पहले मैं समझता था ये सिर्फ ऐसी है घूमती है अभी तो मैं बता रही ये भी होती है ये चीज भी होती है अच्छा आप बताए कितना मजा ये सिर्फ ईद के दिन होती है अच्छा ईद के दिन होती है ये आगे वो इसमें तो लिखा हुआ भी है लपक झपक लपक झपक लपक झपक लपक झपक स्टेडियम है कद्दाफी स्टेडियम लो और जवाब दे लो आइए जी पंजाब में अब ट्रेन फिर आगे बढ़ेगी कराची हाई कोर्ट यस सिंध हाई कोर्ट कराची कल ये वक्फा लेते हैं वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट में हाजिर होंगे पहले एक वक्फा हुमायूं सईद ने आज कमाल कर दिया है भाई कमाल कर दिया है लेकिन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जय वे पाकिस्तान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हुमायूं सईद साहब और आखिरी दो गेम्स हैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको और बताऊं हुमायूं के बारे में करियर का इब्तदाई जो इनका दौर था वो ये कि बहुत कम होता है कि लोग अपने करियर के इब्तदाई दिनों में शादी कर लेते लेकिन हुआ ये कि 1996 इसमें इनका फनी करियर शुरू हुआ और शुरुआत में ही इनकी शादी समीना भाभी से हो गई इस शादी के पीछे भी एक कहानी है और वो ये कि कम वक्त में ज़्यादा कामयाबियां हासिल करने की धुन में हुमायूं ने अदाकारी के साथ प्रोडक्शन का भी आगाज़ कर दिया धुन होती है ना धुन अच्छा एक होती है लालच एक होता है धुन धुन बड़ी प्यारी चीज़ होती है धुन तो बहुत मज़े से बनती है धुन बनाई जाती है तो एक ड्रामे की शूटिंग के लिए ये एक किसी मौजूद दुकान की तलाश में थे और जाते तो दुकान इनको मिले वहाँ शूटिंग करनी थी तो इनकी वालदा की जान पहचान वाले में खातून थी तो उनका मकान जो था वो नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान झूम झूम के अच्छा हुआ ही कि इनका मकान जो था वो हुमायूं को शूट के लिए पसंद आ गया लेकिन उन खातून ने खुद इजाज़त देने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरी बेटी समीना से पूछना हाँ समीना क्या कहती है और समीना से पूछा और बेटी ने इजाज़त दे दी दो दिन की शूटिंग इस शख्स ने दो दिन में सिर्फ 72 घंटों में 48 घंटों में दो नहीं 72 3 हो गए 48 घंटों में इसने क्या किया इसे समीना भाभी से दिल खोलकर मेहमान नवाजी भी करवाई और अब उनकी ये मेहमान नवाजी की आदत हुमायूं को भाग गई वो भाग गई और यूं समीना भाभी से उनकी शादी हो गई ये शख्स 48 घंटे में कुछ भी कर सकता है इसलिए
अपना मकान या अपनी दुकान देते वक्त सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट की बात करें और बीच में आए सामने। 48 घंटे बहुत खतरनाक है। The critical hours, 48 hours. ये किसने बताया कि 48 hours थे? अच्छा, समीना भाभी हमारी मेहमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। आप ये तो दूसरों की कम्युनिटी में भी घुस जाते हैं भाई। आपको पता है मेहमान सिर्फ मेहमानों से शादी करते हैं, लेकिन ये वहां भी चले गए और उन्होंने PCHS गर्ल्स कॉलेज में तालीम, हमारी भाभी ने जबरदस्त तालीम याफ्ता खातून है, एक कदामत पसंद फैमिली से ताल्लुक। कदामत से होता है कि उनको शोबित वगैरह से दिलचस्पी नहीं है, एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल पेश आई, वो कुछ और वजूहत हैं, लेकिन एडजस्ट करने में मुश्किल पेश आई, वो एक अलग बात है। तो उसके बाद ये चाहती नहीं थी, खातून थी, पता था क्या होगा, मालूम था, इसलिए वो चाहती थी कि ये बिजनेस करें, ये फैक्ट्री खोलें। बिजनेस और फैक्ट्री में तो जाहिर है कि मर्द मर्दी होंगे, काम वाम कर रहे होंगे, करें दुकानें कायम करें, ये करें वो करें। लेकिन अब समीना भाभी देखो ना, खुद तो थे ही ऐसे, भाभी को भी ऐसा कर दिया, अब वो खुद भी प्रोडक्शन से वाबस्ता हो गई है। और अगर आपको याद हो तो मनमायल और जो अपना सच के तुम्हारे, ये ड्रामे समीना भाभी की प्रोडक्शन में मुंह दिखाई गए, हालांकि इन्होंने अपना इतना बड़ा मुंह दिखाया था उनको, लेकिन मुंह दिखाई में इन्होंने भाभी को अंगूठी दी। भाभी ने कहा क्या दिखाया, मुंह दिखाई में अंगूठी दी और इनकी अम्मी ने बहू को सेट दिया, सेट मतलब डिनर सेट नहीं और कोई ये सेट डर दिया। और जवाब में बेगम से उनको घड़ी मिली। घड़ी क्यों मिली? कि तुमने 48 घंटों में जो किया है ये घड़ी तुम्हें याद रखनी चाहिए कि घड़ी घड़ी में तुम पे नजर रखोगी। घड़ी घड़ी, घड़ी का मतलब यह है कि घड़ी घड़ी मैं तुम्हारी खबर रखूंगी कि कौन सी घड़ी कहाँ घड़ी गुजरी और कौन सी घड़ी कहाँ गुजरी और कौन सी घड़ी में कोई कहानी घड़ी। और शादी के बाद ये दुबई, मॉरिशस, ये श्रीलंका भी गए शादी के बाद, भारत भी गए। और उसके बाद इन्होंने शादी के बाद क्योंकि अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो 4-5 दिन बाद बेगम ने घर में काम शुरू कर दिया। कहते बेगम से मोहब्बत की, खैर इसमें कोई शक नहीं, तो मैं अब दीवा, लेकिन दोनों की बड़ी यार बहुत मिसाली मोहब्बत, बहुत मिसाली मोहब्बत, बहुत प्यारी मोहब्बत। मुझे ये मोहब्बत ही क्या है कि बेगम पर नजर रखती है, ये मोहब्बत होती है। नजर का ये मतलब थी आप किसी को देख रहे क्या नहीं, नजर होता है कि आपकी आंखों से ओझल ना हो आपका शौहर, अगर आपको पता हो कि शौहर कैसा है तो उसको देखें आप कि ओझल नहीं होना चाहिए, इन्हें यही सामने रहे। 48 घंटे में जो कुछ भी कर सकता है उसको नजर के सामने रखें आप, तो उसकी वजह ये बेगम से मोहब्बत से शादी की। माँ के बगैर ये रह नहीं सकते थे, माँ से प्यार अलग था, लेकिन अब ये भाभी के बगैर रह नहीं सकते। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा भी कर कह सकते हैं कि भाभी के बगैर ये रह नहीं सकते क्योंकि भाभी इनके बगैर नहीं रह सकती, ये दोनों का प्यार है, वाइस वर्सा है। मियाँ बीवी में कभी कभार नोकझोंक हो ही जाती है, झगड़ा खत्म करने में ज़्यादातर पहले ये कर लेते हैं और बेगम को मना लेते हैं। फनकार आदमी है भाई ये, आप मतलब आप रूट ही नहीं सकते कोई इसे, ये मना लेगा। और फिर ये भी है कि कहते हैं कि मेरे पीछे मेरी कामयाबी में किसी एक औरत का हाथ नहीं है, ये इनका खुद का कहना है, बल्कि बहुत सारी खवातीन का हाथ है कामयाबी, बहुत सारी खवातीन का हाथ। शादी से पहले भी एक इश्क किया था लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ इनके साथ, वो धोखा हो गया उसमें, कि धोखे नहीं किया था इश्क, इसे धोखा हो गया। अगर इश्क भी धोखे कर लेते तो धोखा नहीं होता, उसमें भी धोखा हो गया। और दिल टूटने पर ये बहुत रोए थे, रोए बहुत थे, और पता है कहाँ रोता था, साहिल समंदर में, ताकि समंदर का शोर आता रहे, शू शू, और ये रोते बहुत शर्मीले थे। और वो लड़की उन्हें उनके खोल से बाहर निकालती थी, इसलिए उन्हें पसंद, यानी आप देखो शर्मीले थे, वो लड़की उनको खोल से बाहर निकालती, निकल बाहर, गूंगा होता है खोल के, निकल बाहर, निकल, ये निकलते नहीं थे वो, नहीं ये निकले नहीं, वो निकल गई, वो इनको निकालते निकालते निकल गई। ऐसे ही हुआ। आज फारे औकात में आप फिल्में देखते रहते जी आजकल? हाँ
हाँ ज्यादातर वो सीरीज देखता हूँ, सीरियल्स और फिल्म्स भी देखते हैं। शुरू शुरू में फिल्म वगैरह देखने भाभी झगड़ा हो जाता था? शुरू में फिल्मों पे देखने पे झगड़ा नहीं होता था, ये रात को देर तक टीवी को देख रहा था। हाँ बहुत, क्योंकि मैं पूरी पूरी रात देखता था, तो क्योंकि देखो ना आप टीवी पे क्या देख रहे हो ये भी पता होता ना। हाँ अरे वो ये कहती थी कि इतने शौक से कैसे देख सकते हो पूरी रात, लेकिन किसी और से बातें तो नहीं कर रहे। हाँ ये होता है, बेगम में होता है मसला। और पहले मैं बेसमेंट देखता था, अब मैं अपने ही रूम में देखता हूँ जहाँ। अच्छा बेसमेंट वैसे ही खतरनाक है, नीचे तहखाने में जाके क्या करो भाई। अच्छा उसके बाद ये कि अम्मी के हाथ के, इनको अम्मी जान के हाथ के इनको दही बड़े बहुत पसंद थे और बिरयानी बहुत पसंद थी। और देखिए ये होता है बीवी का काम कि भाभी, हमारी भाभी वैसे ही बनाने की कोशिश करती हैं जैसे अम्मी बनाती हैं, ताकि उससे ये होता है कि अब इनका खानसामा है वो ये शायद, जैसे उनसे कीमा बनाया जब गए थे वो खानसामा बिरयानी बड़ी शानदार रहता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरे हाथ की चीज़ें बिरयानी खाएंगे, इनको अम्मी जान की बिरयानी याद आ जाएगी, ये इनको पता ही नहीं है। तो आप कभी बुलाते ही नहीं? अरे आप बुलाएं, हम आपके घर में आके बनाएंगे। आप तो आए हुए हैं, खुद भी बुला लें। आप बुला लेंगे आपके घर में, आप फौरन बुलाएंगे। हाँ अच्छा, इसके अलावा पुलाव और गोभी गोश्त पसंद है इनको। अच्छा गोभी गोश्त को क्यों पसंद है पता आपको? गोभी में फूल बहुत होते हैं। अच्छा गोभी में फूल बहुत, छोटे छोटे फूल बहुत सारे होते हैं, अगर एक फूल की गोभी होती इनको पसंद नहीं होती। दूर रहिएगा, ये फारूक सत्तार भाई से मिली अभी। ये क्या वो लड़की हरीम शाह? क्या है वो लड़की हरीम शाह? आंखों से नहीं पहचाना, आंखों से नहीं पहचाना। वैसे आंखें जो है ना ये समीना पीरज़ादा की लग रही है। हाय 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 आंखें, अब और समीना आपा की आंखें कमाल आंखें हैं, बोलती हैं आंखें। पूरी तस्वीर खोल दे, बजाते रहो ना, क्या है मैडम की क्या बात है, मैडम के लिए बहुत सारी जाएंगे। अमजद साहब अमजद की लिखी हुई गजल है, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अमजद साहब भाई कमाल करते हैं आप भी कभी कभी, क्या लिख देते हैं। अगली तस्वीर दिखाए। अच्छा ये बताया, अच्छा एक्चुअली क्या होना चाहिए था, जैसे ही शर्मीले, तो शर्मीली होनी चाहिए लेकिन ही शर्मीला है। शर्मीला फारूक पूरे बरसगीर में दो शर्मीला है, औरत होगी शर्मीली नहीं है, औरतें शर्मीली होती हैं लेकिन पूरे बरसगीर में दो शर्मीला है, शर्मीला फारूक की शर्मीला टैगोर और कुछ शर्मीला। अच्छा जी अब सेंसेशनल मोमेंट है, यहाँ तशरीफ लाइए, ये रैपिड फायर है, आपसे फौरन फौरन पूछा जाएगा, फौरन जवाब दे दीजिएगा, है ना? एक्टर या प्रोड्यूसर? एक्टर। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। हीरो या विलन? हीरो। आयशा खान या आयशा खान? जाहिर है खान। छोड़ 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 बिंद्रो है या पंजाब नहीं जाऊंगी? पंजाब नहीं जाऊंगा। अंजुम शहजाद या नदीम बेग? बादाम या पिस्ता? पिस्ता। चाय या कॉफी? चाय। हमजानी या बासी अहमद भट्ट? दोनों। पाया या नहारी? नहारी। डाइटिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। टैक्सी या रिक्शा? टैक्सी। गाय या बकरा? बकरा। एक्शन या रोमांस? रोमांस। दुबई या तुर्की? तुर्की। शावर या बाथटब? शावर। ट्यूबलाइट या बल्ब? ट्यूबलाइट। कचौरी या समोसे? समोसे। रहमान मलिक या कायम अली शाह? रहमान मलिक। आमिर लियाकत या हुमायूं सईद? आमिर लियाकत। मेरे पास तुम हो या दिल लगी? मेरे पास तुम हो। ओके ये सेंसेशन मोमेंट के आपके पास जाएगा, बाहर कुछ लोग लेने की कोशिश करेंगे, दीजिएगा मत। नाज़रीन मोहतरम, हुमायूं सईद हमारा भाई, हमारे दोस्त या हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हुमायूं सईद पाकिस्तान का बेटा है,
हुमायूं सईद पाकिस्तान की जान है, हुमायूं सईद पाकिस्तान की पहचान है, हुमायूं सईद पाकिस्तान का सफीर है, हुमायूं सईद दिल से, जहन से, अक्ल से, शऊर से अमीर है। इसलिए हुमायूं सईद एक ऐसा नाम है जो बहुत आगे तक जगमगाएगा, चमकेगा, सूरज की तरह, चांद की तरह, सितारों की तरह। हुमायूं सईद को गहन नहीं लगेगा, हुमायूं सईद को इंशाल्लाह ताला कभी जवाल नहीं आएगा, क्योंकि हर उरूज का जवाल है वो ज़रूर आता है, लेकिन एक जवाल ऐसा है जो इंसान को आता है उसकी गुरूर, उसकी तकब्बुर की वजह से, और हुमायूं को कभी नहीं आएगा क्योंकि हुमायूं में गुरूर और तकब्बुर नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम दोनों बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाएंगे कि या तो किसी ड्रामे में या कहीं ना कहीं जलवा गर हो साथ। हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों में एक मोहब्बत का रिश्ता है, और आज जो सारी गलतफहमी है वो भी दूर हो गई। हुमायूं सईद मेरा भाई भी है, मेरा सब कुछ है, अल्लाह ताला से बहुत तरकीद है। समीना भाभी आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो कि हुमायूं आपके शौहर हैं और आपके शौहर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इनका कोई इरादा नहीं है कुछ और करने का, बाकी है कि मैं तो करता रहता हूँ। इसके साथ ही आप इजाजत दीजिए, जी वे पाकिस्तान।